अपना ताल्लुक कायम करें जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा की शरीयत का इलम अता फरमाया है। और बड़ी खुशी हुई कि इस मस्जिद के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलम का एक चराग रोशन किया गया। अल्लाह के पाक पैगंबर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हर वालिदैन को हुक्म इरशाद फरमाया। कंदर उमार के अंदर हदीस पाक है, मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिकु औलादकुम अला सलासति खिसालिन। मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको भी दुनिया के अंदर भेजा है, दुनिया के अंदर भेजने के बाद अल्लाह ने उसे साहिबे औलाद बनाया है, अल्लाह ने उसे बेटे और बेटियां अता फरमाई हैं। आज आप और मैं ये दुनियावी तालीम के लिए अच्छे से अच्छा माया तलाश करते हैं। अल्लाह के पास पैगंबर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने मोहम्मद के साथ मोहब्बत करते हो, अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाकर दुनिया से जाना। या रसूल अल्लाह कौन सी चीजें? पहली बात मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाई, हुब्बे नबी ये कुम, ऐ मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, अपनी औलाद को मैं मोहम्मद की मोहब्बत सिखा कर दुनिया से जाना। ये नाफखानी आज हाफिज काशिफ अत्तारी साहब इतनी मेहनत के साथ अगर इन बच्चों की जुबान से हुजूर की तारीफ और नाफखानी इन्हें सिखा रहे हैं तो इससे क्या होगा? सबसे पहले आपके बच्चों को मुस्तफा करीम की मोहब्बत मिल जाएगी, हुजूर के इस फरमान पर अमल हो जाएगा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरादरानी गिरामी कदर, आज फितनों का दौर है। हुजूर ने फरमाया, वाहुब्बे अहले बैत ही, जहां मैं मोहम्मद की मोहब्बत का दरस दिया जाए, मैं मोहम्मद के घर वालों, मैं मोहम्मद की आल की मोहब्बत भी सिखा कर दुनिया से जाना। अल्लाह के पास पैगंबर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकीरा सिखा कर दुनिया से जाना। बरादरान-ए-गिरामी कदर,